बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज मैं आपके साथ बॉयज़ के नए डिज़ाइन लेकर आई हूँ, ताकि आगे ईद आ रही है तो आप देखकर इस तरह से बनवा सकते हैं, क्योंकि ईद में टाइम कम होता है। पहले आपको दिखाऊंगी तो आप अपने बच्चों को इस तरह से बनवा सकते हैं। ये 3 सूट हैं मेरे पास, कुछ बड़े हैं कुछ छोटे हैं, तो फिर स्टार्ट करते हैं छोटे से। जी तो ये वाइट में है, ये भी बहुत प्यारा कुर्ता है। ये सारा हमने आर का काम करवाया है, ये देखें, ये बहुत नफीस और बहुत यूनिक सा काम है, बहुत प्यारा लग रहा है। बिल्कुल गर्मी के हिसाब से लाइट वेट, इस तरह से ये लॉन फैब्रिक है, लॉन लाइट वेट है। इसी तरह से ये सारी कढ़ाई लाइट वेट से करवाई है, ये देखें, ये भी बहुत प्यारा लग रहा है। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। वीडियो को एंड तक देखा करें, ताकि आपको पता चले कि किस तरह से काम करवाया गया है और क्या क्या मैंने दिखाया आपको। जी तो इसके भी साइड पॉकेट्स हैं, और दामन इसका भी नीचे से स्क्वायर है, बाजू इस तरह से इसके आगे से खुले बनाए गए हैं, क्योंकि गर्मी में काफ़ी बच्चे कंफर्टेबल फील नहीं करते। जी तो ये दूसरा कुर्ता है, सूट इसके साथ सादा ट्राउज़र है, ये भी लॉन फैब्रिक है, तो इस पर भी तारकशी करवाई। ये बहुत ही लाइट वेट और बहुत ठंडा ठंडा कलर जिसे कहते हैं, इस तरह का पिस्ता कलर है, बहुत इसमें गर्मी इतनी महसूस नहीं होती, बहुत प्यारा कलर है। ये देखें, मैं इसकी तारकशी आपको दिखाऊंगी, देखें कितनी नफीस हुई है, ये देखें आप करीब से देख सकते हैं, बहुत नफीस तारकशी है ये, और बच्चों के पहने हुए तो बहुत ही प्यारे लगते हैं। ये देखें, अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो इस तरह से ले सकते हैं, ताकि आप भी अपने बच्चों के इस तरह से करवा लें। आजकल बहुत ट्रेंडी है तारकशी और मिरर वर्क, तो बहुत ज़्यादा बच्चों के करवाए जाते हैं। ये इसके बाजू पर मैंने पेंटिक्स लगाई हैं, डिज़ाइनिंग की है। और एक चीज़ मैं आप और बताऊँ आपको, अगर आप अपने बच्चे का थोड़ा बड़ा बनवाना चाहते हैं कुर्ता, तो इस तरह से आप आगे से तरपाई लगा सकते हैं। ये देखें, मैंने आगे तरपाई लगा दी है, क्योंकि जब मैं इसको खोलना चाहूँगी तो मैं आसानी से खोल सकती हूँ। ये लॉन पे जब सिलाइयाँ लगती हैं तो फिर खोलने बड़ा करने पर नुमाया होती हैं, आप इस तरह से तरपाई लगा सकते हैं। ये बहुत प्यारा लग रहा है, तरपाई लगाने से ओवर भी नहीं लग रहा। सॉरी मेरा गला बहुत ख़राब है। ये साइड पॉकेट्स लगाई हैं, ये नीचे से दामन सिक्योर है, ये देखें। तो मैंने बाजुओं पर तरपाई लगाई थी, तो उसके साथ मैंने नीचे दामन पर भी तरपाई लगा दी, ताकि ओवर ना लगे, बिल्कुल फैशन में लगे। बहुत प्यारा लग रहा है ये कुर्ता भी। अब मैं आपको आखिरी और लास्ट दिखाऊंगी। जी तो ये 30+ है तकरीबन, ये कुर्ता भी हमने बनवाया है, इस पर तारकशी करवाई है। अगर आप इस तरह अपने भाई जहाँ भी वगैरह का बनवाना चाहें, तो इस तरह से आप अपने ये क्या है कढ़ाई वाले को दिखाकर बनवा सकती हैं, यहाँ से आप काम करवाती हैं अपने बच्चों के कपड़ों पर। यह भी तारकशी करवाई हमने, ये देखें, ये बहुत प्यारी लग रही है, इसका डिज़ाइन बहुत प्यारा है और बिल्कुल न्यू डिज़ाइन आया है। ये तारकशी मैंने पहले बहुत सारी करवाई बच्चों के कपड़ों पर, लेकिन ये बिल्कुल न्यू और यूनिक सा डिज़ाइन है। ये मेरे भतीजे का कुर्ता है, ये देखें, बहुत प्यारा लग रहा है। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं, इस तरह से दिखाकर आप आसानी से तारकशी करवा सकते हैं। ये देखिए, आप देख सकते हैं करीब से देख, ये तारकशी आजकल बहुत ट्रेंडी है, कफ लगे हुए हैं बाजुओं पर, इसका भी दामन नीचे से स्क्वायर है। बहुत शुक्रिया मेरी वीडियो देखने का। मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं, ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो आपको सबसे पहले मिले। बहुत शुक्रिया।